अलेक्जेंडर उठा तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। दरअसल वहाँ पर एक छोटा लड़का भी था जिसने अलेक्जेंडर को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे कबीले के सारे लोग इकट्ठे हो गए। परंतु अलेक्जेंडर को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, पर सौभाग्य से वहाँ पर एक शिक्षक आई जिसने उससे बातें की। तभी पता चला कि अलेक्जेंडर की भाषा पत्थरों की भाषा बन चुकी थी। शिक्षक ने उसे लाखों साल पुराने पत्थर दिखाए जिन पर उसी की भाषा लिखी हुई थी, पर अलेक्जेंडर जिस सवाल के लिए इतनी दूर आया था उसे उसका उत्तर नहीं मिला। फिर शिक्षक ने उसे वो जगह दिखाई जहाँ पर वो मिला था। उसने देखा कि उसकी मशीन अभी तक एकदम सही सलामत थी। फिर अलेक्जेंडर उसमें बैठकर अपने समय में जाने के लिए तैयार हुआ, पर तभी वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ पर अजीब मुंह वाले राक्षस थे जो इंसानों को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे, और इसी कारण वहाँ के लोग पहाड़ों के ऊपर रहते थे और रात होते ही राक्षस जमीन के अंदर से बाहर निकल जाते थे। पर आज वे राक्षस जल्दी ही बाहर निकल आए। अलेक्जेंडर उनसे बचने के लिए लकड़ी के पुल के ऊपर चढ़ गया, परंतु वे राक्षस बहुत चतुर थे, वो भी उसके ऊपर चढ़ गए। पार्ट 4 के लिए लाइक और कमेंट करें।